मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। शारदीय नवरात्र आते ही चारों ओर डांडिया की डांस की धूम मच जाती है। खूबसूरत पारंपरिक परिधानों में सजे धजे महिलाएं जब डांडिया करते हैं तो वो समा ही कुछ और होती है। पहले तो ये डांस गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित था, लेकिन बदलते वक्त ने इस डांस को काफ़ी ग्लैमराइड कर दिया है। इसी वजह से आज के नव युवक और युवतियों को भी डांडिया डांस बेहद पसंद आता है। दरअसल डांडिया डांस के रास के जरिए देवी और असुर महिषासुर के बीच की नकली लड़ाई का मंचन किया जाता है और इसी वजह से इसे तलवार नृत्य उपनाम है। छड़ें यानी कि डांडिया दुर्गा की तलवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाएं माँ दुर्गा का रूप धारण करती हैं और इसी कारण वो पारंपरिक परिधानों में 16 श्रृंगार करके आती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं चोप सिंह सक्सेना। इस समय आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे के केसिया दीक्षा केसिया टाउन में खड़े हुए हैं। आपने देखा किस प्रकार यहाँ महिला और बच्चों ने डांडिया प्रोग्राम करते हुए उत्साहवर्धक होते हुए नव दुर्गाओं के समापन पर एक भव्य आयोजन किया, जिसमें सभी महिला उन्हें और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित दीक्षा केसिया टाउन में महिलाओं ने नव दुर्गा पर माँ की स्तुति करने के साथ साथ डांडिया डांस का भी प्रोग्राम रखा, जिसमें महिलाओं ने भारतीय पहनावे के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें समस्त कॉलोनी की महिलाओं ने भाग लिया। वहीं साथ में छोटे छोटे बच्चे भी अपने डांस के द्वारा सभी कॉलोनी वासियों का मन मोह रहे थे। बच्चों का डांस देखने लायक था, उनमें जबरदस्त उत्साह था, सब जिसमें समस्त कॉलोनी वासियों का सहयोग रहा। आपको बता दें कि भारतीय महिलाओं के पहनावे जैसे कि साड़ी और लहंगा ओढ़नी आज जित वो पहन के आई थी उसकी गरिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। भारतीय नारी का वस्त्र साड़ी ही उसकी अस्मिता की पहचान है। इसमें भारतीय महिलाओं का सौम्य व शालीनता व्यक्त झलकता है। वहीं सभी का मन लुभा रहा था। आइए, भोजन से परस्पर प्रेम बढ़ता है और सद्भावना भी बढ़ती है, इसलिए हम चाहेंगे कि अगली साल डांडिया हम और भी धूमधाम से मनाएं। आज हम सब दीक्षा के सर की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई थी डांडिया नाइट्स बनाने के लिए, क्योंकि आज नवमी है और नवमी है, नौ दिन के व्रत खत्म हो चुके हैं और सब लोगों ने फुल ऑफ एनर्जी से, बच्चों ने, लड़कियों ने और इवन महिलाओं ने और थोड़ी जो उम्र दराज महिलाएं हैं उन्होंने भी पूरे जोश और खरोश के साथ इस प्रोग्राम में भाग लिया। और जी, सब लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि हम इस तरह के प्रोग्रामों के आयोजन आगे भी करते रहेंगे। नौ दुर्गों के समापन पे हमने यहाँ पे डांडिया नाइट्स आयोजित किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और इस तरीके से हम लोग हर साल करते रहेंगे। सिर्फ नौ दुर्गे के नहीं, हरियाली तीज और भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हम करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, छोटे छोटे बच्चों ने तक यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है और महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, महिलाओं ने तो डांडिया में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है।
मैडम आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज हमारे दीक्षा केसीआर ट्रान में जो डांडिया प्रोग्राम हुआ है वह बहुत ही अच्छा रहा और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम आगे होते रहने चाहिए, जिससे कि आपस में हमारे भाईचारा और आपसी प्रेम भाव बना रहे और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और